बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर इस बीच एक बड़ी खबर, बहुत जल्द तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। जिस घड़ी का हर किसी को इंतजार है वो इंतजार खत्म हो जाएगा। और गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें कि कल चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है, कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सागर, बिल्कुल सभी को इंतजार है कि आखिर गुजरात में चुनाव की तारीखें क्या होंगी, क्योंकि उम्मीदें यह थी कि जब हिमाचल की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है उसी दिन गुजरात के भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। अगर हम बात करें गुजरात की तो 182 विधानसभा सीटें, बीजेपी का दबदबा गुजरात में हमेशा ज्यादा दिखाई दिया, लेकिन कांग्रेस जो कि सन 2018 के चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी थी 2017 के चुनाव में, इस बार वो बेहतर वापसी करने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी लोगों के सामने विकल्प के रूप में तैयार खड़ी है, इसीलिए पूरे दमखम के साथ आम आदमी पार्टी को ये उम्मीद कि हम दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल की तर्ज पर हम गुजरात में भी अपनी सियासी जमीन मजबूत करके सत्ता हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम ऐसे दिग्गज चेहरे बीजेपी की तरफ से लगातार गुजरात में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें गुजरात के इस चुनावी माहौल में तो मोरबी घटना ने भी देखिए अलग अब एक मोड़ ला दिया है, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय सियासी मुद्दा बनाने में लगी हैं कि आखिर कैसे बीजेपी को घेरा जाए गुजरात में। लेकिन क्या मोरबी का कोई फर्क पड़ेगा क्या? लेकिन बात हम कर रहे हैं चुनाव की तारीखों को लेकर, इलेक्शन कमीशन कहा जा रहा है कि कल इस तारीख का ऐलान कर सकता है। सभी को इंतजार है क्योंकि चुनावी रण पूरी तरह से सज धज कर तैयार है गुजरात का। चारुल, बिल्कुल, चुनावी बिसात जो है वो बिछ चुकी है, अब इंतजार सिर्फ तारीखों का है। और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कल गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात में दो चरणों में चुनाव हो सकता है। हमारे साथ सहयोगी मेहुल झाला जुड़ गए हैं। मेहुल, आप देखिए कि हर राजनीतिक पार्टी ने कमर कस ली है, सिर्फ इंतजार चुनाव की तारीखों के ऐलान का। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि 31 तारीख को, 1 तारीख तक प्रधानमंत्री मोदी, 30, 31 और 1 नवंबर तक प्रधानमंत्री मोदी यहां पर रहने वाले थे। इसके लिए कयास ये लगाए जा रहे थे कि 1 तारीख दोपहर के बाद चुनाव का ऐलान हो सकता है या 2 तारीख सुबह में चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है गुजरात विधानसभा 2022। पर मोरबी की दुर्घटना ने ये संभव है कि यही किसी कारणवश चुनाव आयोग ने तारीख तय नहीं की है। अब माना जा रहा है कि कल के दिन चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, 28 और 29 या 29 या 30 नवंबर को पहले चरण का चुनाव हो सकता है और दूसरा चरण 3 या 4 दिसंबर के दिन दूसरे चरण का चुनाव होगा, क्योंकि हिमाचल के चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आने हैं, साथ ही साथ गुजरात चुनाव के भी नतीजे 8 दिसंबर को ही। देखिए, चलिए मेहुल, जल्दी से एक बार समीकरणों पर भी बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी जिस तरह से चुनावी मैदान में अपना पूरा दमखम दिखा रही है, क्या लग रहा है कि पंजाब की तरह कुछ यहाँ पर भी कमाल कर सकती है क्या आम आदमी पार्टी? मेहुल, देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। आम आदमी पार्टी जो तीसरा मोर्चे के रूप में गुजरात में उभरने की कोशिश में है, मैं आपको बताऊं कि अब तक तकरीबन 100 के करीब कैंडिडेट कर ली। भारतीय जनता पार्टी अब तक चयन की प्रक्रिया में जुड़ी हुई है, क्योंकि इनके सामने भी बड़ी चैलेंजेस हैं। पुराने विधायक टिकट का दावा ठोक रहे हैं, जो नए युवा चेहरे हैं वो भी टिकट का दावा ठोक रहे हैं, जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं वो लोग भी टिकट पर आस लगाए बैठे हैं। ऐसे में सीआर पाटिल ने पहले ही साफ कर दिया है कि जो भी टिकट के बारे में फैसला लिया जाना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री। संभव है मेहुल कि कल तारीखों का ऐलान हो जाएगा, और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि 2 चरणों में लगभग हो सकते हैं चुनाव, लेकिन क्या इतना समय पर्याप्त होगा? 2 चरणों में इतनी विधानसभा की जो सीटें हैं वो कवर हो जाएंगी? बिल्कुल, 182 विधानसभा सीटें हैं, महज 30 दिन बचेंगे, क्योंकि नामांकन भरना, नामांकन वापस खींचना, ऐसे में ये 7-8 या 9 नवंबर का वक्त तो मैं मानता हूँ उसमें ही निकल जाएगा। अब इसके बाद जो नामांकन वापस देने की प्रक्रिया होगी, अंतिम तिथि तय होगी, उसके बाद महज चुनाव के लिए प्रचार के लिए केवल 15-20 दिन बचेंगे, ये नाकाफी माना जा रहा है चुनाव के वक्त। पर भारतीय जनता पार्टी ने एक जो स्लोगन रखा है भरोसे की भाजपा सरकार, उसके तहत उन्होंने गौरव यात्रा निकाली है 5 जोन में, कांग्रेस की गौरव यात्रा अभी चल रही है। बिल्कुल, देखिए मेहुल, अब बस इंतजार है उस पल का जब गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और किस तरह से कितने चरणों में ये चुनाव होगा।